हुआ आते हैं हम माइयों के मेकअप की तरफ। मैं जैसे जिक्र करी थी कि मैंने अपने माइयों पे घर पे ही खुद ही ब्लश पहले ऑन बाकी हाँ, हल्की सी जो लाइट सी लिपस्टिक होती है वो उस उम्र में जो अपनी स्किन होती है वो ही इतनी ग्लो कर रही होती है, तो मैंने तो ऐसे कर लिया था। मगर आज आज मैंने आपके सैलून पे भी देखा बहुत सारी लड़कियां माइयों के लिए तैयार हैं। हमने तो आप देखिए प्रॉपर शूट्स करते हैं माइयों के लिए ना, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन पहले भी होती थी, अब इस वजह से होती है कि लोगों को अपने पूरे प्रॉपर एल्बम्स बनाने होते हैं, ठीक है, और फेस ऑब्वियसली एक फ्रेश लुक आना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये होता था कि घूंघट होता था, ऐसी इस तरह की रस्में होती थी, चीजें नहीं होती, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें जो कहीं पर होती भी है वो भी ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है। अब हर किसी का मतलब फोकस होता है कि माइयों मेहंदी पे तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉपर तैयार हो रहे होते हैं, आप देखें स्टाइलिंग बड़ी अच्छी होती है। एक जमाना तो ये था घूंघट ही नहीं उठाते थे, दुल्हन का घूंघट जो है वो उठता ही था, तो दुल्हन कहती थी क्या जरूरत है तैयार होने की, इतना घूंघट डाल के बैठी होती और वो घर पे भी होती थी, और वो इवन के सैलून भी नहीं जाती थी, हमारी खालाएं भी नहीं गई थी अपने सैलून, मैं तो खैर प्रॉपर तैयार हुई थी। अच्छा, मेरा माई और मेहंदी साथ ही था, अच्छा, तो मैं तो फुल रेडी हुई थी, लेकिन दूसरा माइयों में फिर भी कोई कम लुक रखा होगा ना। हाँ, सॉफ्ट मेकअप रखा था, मतलब लाइक स्टाइलिंग मैसी ब्रेड वगैरह लगाई थी, लेकिन मेकअप सॉफ्ट रखा था। अच्छा, सॉफ्ट ये होता है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हैवी ना हो जाए मेकअप और ग्लोइंग, और मेकअप बिल्कुल आई शेड तो टू शेड्स ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लाइनर लगा लें, कलर्स नहीं होने, हाईलाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पीछे पिंक ब्लश ऑन होना चाहिए, सॉफ्ट पेल लिपस्टिक्स होनी चाहिए। क्या क्या एक दो चीजें हैं आपको जो लगता है माइयों की दुल्हन को जो है वो बस वो चीजें खूबसूरत बना देती है माइयों की ब्राइड के लिए? मेरे हिसाब से उसके जो है ब्रेड होनी चाहिए अच्छी सी, अच्छा, उसमें फ्लावर्स होने चाहिए, मेकअप बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए उसका ना, कोई ज्यादा शेड्स नहीं लगे हुए होने चाहिए, वन कलर हो, अगर किसी की बहुत छोटी आईज है तो ऑब्वियसली फिर आप आउटर कॉर्नर थोड़ा सा बना सकते हो, अदरवाइज जो है आप लाइनर लगा लो तो वो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपकी हुडेड आईज है तो फिर आप लाइनर लगा के थोड़ा सा ये तो स्मज कर लें उसको ना, मतलब ये चीजें हैं बेसिक, और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। लैशेज लगानी है तो वो बिल्कुल लाइट लैशेज लगा लें, मेकअप मतलब इतना लेस मेकअप काफी होता है बिल्कुल। आज यही है, मैं जो नाजरीन है उनसे ये कह रही हूँ कि आज का टास्क यही है कि माइयों के दुल्हन तैयार करनी है, एक फ्रेश लुक देना है, एक खूबसूरत दुल्हन बनानी है। Hi guys, it's me, Mini Butt. And this is me, Ramsha Khan. And you are at the Air Digital's YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.